ये सफर है भारत के गोल्डन सिटी जैसलमेर का। पुराने समय में यहां आना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। अबुल फजल कहते हैं, घोड़ा कीजे काट का, पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोह का, जद पहुंचे जैसाण। यानी लकड़ी का घोड़ा लेकर पत्थर के पांव और लोहे के कवच के साथ ही जैसलमेर आया जा सकता था। ये बातें हमें उस समय की डिफिकल्टी को बताता है, पर अब समय ने सब कुछ आसान बना दिया है। कोई कहीं से भी आसानी से जैसलमेर आ सकता है। जब सूरज की किरणें यहाँ पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो सोने से बने शहर में आ गए हो। जब मैं जैसलमेर फोर्ट पहुंचा तो उसे देखकर मैं इस सोच में पड़ गया कि उस समय इसे कैसे बनाया होगा और इसकी मजबूती के बारे में तो क्या ही कहने। ये किला दुनिया के कुछ ही किलों में से है जहां आज भी लोग रहते हैं, बाकी तो खंडहर बन चुके हैं, इसलिए इसे लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। इस किले में रहना और रात में शहर को ऊपर से देखना, वो पल काफी खूबसूरत था। राजा जैसल सिंह जो वहाँ राजा था, उसको अपनी राजधानी बदल के सुरक्षित जगह पर ले जानी थी। रतननाथ जी एक साधु हुआ करते थे जो वहाँ तपस्या बरसों से कर रहे थे। उसने उस राजा को देखा और उस पहाड़ी पे रोका और रोक के बताया कि जैसलमेर तेरे को राजधानी बनानी है तो तू राजधानी यहीं बना किले पे। इसी फोर्ट में एक म्यूजियम है जो पहले राजा और रानी का महल हुआ करता था, पर अब इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पुराने समय के वॉर में यूज होने वाली बहुत सारी चीजें आज भी हम देख सकते हैं। जैसलमेर का मेरा तीसरा दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था, पर शाम ढलते ढलते वर्स्ट होने वाला था। बेस्ट इसलिए क्योंकि मैं जाने वाला था सैम सैंड ड्यून्स, और वर्स्ट इसलिए क्योंकि वापस आते आते मेरी बस छूटने वाली थी। मेरा यहाँ आना किसी सपने के सच होने से कम नहीं था, क्योंकि जब मैं स्कूल की किताबों में थार डेजर्ट के बारे में पढ़ता था तब से ही मैं इसे देखना चाहता था। मेरी नजर जहां तक जा रही थी चारों तरफ रेत ही रेत। यहाँ का व्यू देख के शायद आपको बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज की याद आ जाए। क्योंकि शूटिंग के लिए ये एक परफेक्ट लोकेशन है। यहाँ का कैमल राइड और डेजर्ट सफारी अपने आप में यूनिक है, जिसका लुत्फ आप उठा सकते हो। और जब हम अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती है, जो मैं यहाँ के एक्टिविटीज़ को करके फील कर रहा था। उसके बाद मैं पहुंचता हूं बड़ा बाग, जो रामगढ़ के रास्ते में जैसलमेर से कुछ ही दूर है। ये वहां के राजाओं की शाही समाधि है। ये है गड़ीसर लेक, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। इसे राजा रावल जैसल ने 1156 में बनवाया था।
उस समय जैसलमेर में पानी के लिए ये झील ही एक ऑप्शन था। यहाँ मुझे मिलते हैं ये भाई साहब जिन्होंने लेक के बारे में बहुत कुछ बताया। ये जो आप वहाँ पे छतरी देख रहे हो, क्या यहाँ पे राजा वगैरह ड्रिंक करते थे? वहाँ दूसरी छतरी पे किला जो थी है, वे डांस करते थे, आनंद लेते थे, बहुत ड्रिंक करते थे। यहाँ पे इस कमरे में रहती थी, आप देख रहे हो इसमें रहती थी किला। इसलिए किला ने बोला राजा गडीश्वर सिंह राजा को, मैं यहाँ पे आपके आगे नाच गाने मेरी याददाश्त के लिए कुछ बनाऊँ। आप कभी भी गडीश्वर लेक आओगे, सबसे पहले आपको देखनी बोटिंग करने के लिए जाओगे, टीलों की क्रूल से अंदर होके जाओगे। उसके बाद हम थे पटवों की हवेली। ये हवेली काफी पुरानी है, वही ये एक सजी हुई दुल्हन जैसी लगती है। और सबसे कमाल की बात, वहां जाके पता लगा कि इस हवेली को बनाने में चूना, सीमेंट और पानी, इन तीनों ही चीजों का इस्तेमाल नहीं हुआ था। नाम क्या आपका? मेरा खुशी नाम। खुशी नाम है, खुश तो हो नहीं आप? आगे हमें कहाँ जाना था वो मुझे नहीं पता था, तो गूगल मैप में जो मुझे पास में लोकेशन दिखा वो था मंदिर प्लेस। वैसे तो मुझे म्यूजियम देखने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, पर वहाँ जाके मुझे ये पता लगा कि यहाँ कई सारे फिल्मों की शूटिंग हुई थी, तो लोकेशन देखने के बहाने मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ पे। और वहाँ जाके मुझे पता लगा कि आमिर खान की सरफरोश और भी बहुत सारी मूवीज यहाँ पे शूट हुई थी। उसके बाद हमें व्यास छतरी जाना था, और जहाँ ये एक सनसेट पॉइंट है और हम वहाँ पहुँचते हैं सूरज ढलने के बाद। तो अगर आप एक्चुअल में इसकी ब्यूटी को देखना चाहते हो तो या तो आप सुबह जाओ या फिर शाम को, क्योंकि उस समय का व्यू काफ़ी सुंदर होता है, जो कि वहाँ के लोगों ने हमें बताया। पर मैं तो लेट पहुँचा था, पर जो भी देखा काफ़ी अच्छा था। रात में यहाँ का पपेट शो देखने का एक अलग ही मजा है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप भी ये शो देखने जरूर जाना। पपेट शो खत्म होने के बाद मैं मिलता हूँ वहाँ के फाउंडर से, जो मुझे बहुत कुछ बताते हैं। मेरा नाम एनके शर्मा है, पूरा नाम नंद किशोर शर्मा। मैं डेजर्ट कल्चर सेंटर म्यूजियम का संस्थापक हूँ। 40 वर्ष पहले मैंने संग्रहालय की स्थापना की, और उसके बाद यहाँ पर लोक कलाओं जो विलुप्त हो रही है उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए कठपुतली कला का कार्यक्रम प्रारंभ किया। देश को आज़ाद होते देखा, आज़ादी के बदलाव को देखा, और आज की बदलती संस्कृति को देख रहा हूँ। बस छूटने से पैसे का तो नुकसान हुआ, पर वो यादें जो मेरे साथ है, वो दोस्त जो मेरे वहाँ बने, वो शायद ज़्यादा कीमती है।